भैया आप ये जूता देखिए। ऐसा क्या खास है इस जूते में? ऐसा क्या है? अरे भैया ऐसा क्या नहीं है इस जूते में, पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा ये आपको जूता, सिर्फ हमारी दुकान पे मिलेगा। अरे पैर डालोगे ना ऐसे मक्खन की तरह जाएगा अंदर भैया, पता नहीं चलेगा जूता पहन रखा है। और तो और शाहरुख की जो फिल्म आई थी ना पिछली, शाहरुख खान ने ये तो जूता पहना था। अब देखो एक शाहरुख खान ने पहना था, एक आप पहनोगे यहाँ। अच्छा भैया वैसे इस जूते के रेट क्या है? मार्केट में जाओगे ना 4,000 से कम का नहीं मिलेगा ये जूता। अब भैया आप हमारे पुराने ग्राहक हो, आते रहते हो या हमारे भाई की तरह हो, थूक लगा के 1,000 का दे दूंगा। आप इस जूते को पैक कर दो। और एक बात बोलूं, आपसे अच्छे रेट कोई लगा ही नहीं सकता इस मार्केट में भैया। मम्मी कसम, मम्मी कसम। अनिकेत इधर आओ। जी सर। अनिकेत हमारे कितने कर्मचारी काम करते हैं और एक हो तुम। मैं तुम्हें शुरू से देख रहा हूं कि तुम आते हो, दुकान खोलते हो, शटर उठाते हो, अंदर पूरी तरीके से दुकान को देखते हो, सिस्टमेटिकली लगाते हो, दिन भर मेहनत करते हो। और कस्टमर अगर आते हैं ना तुम अपनी जान झोंक देते हो, बहुत अच्छा लगता है समझे। और उसके बाद ये देखता हूं कि दोपहर का खाना खाने सब बैठ जाते हैं बट तुम भूल जाते हो, ऐसे लोग कहां मिलेंगे। और शाम को भी सब लोग पहले जाने के चक्कर में रहते हैं लेकिन तुम्हें कोई जल्दी नहीं होती। आखिर में सब काम करके ताला लगा के बंद करके जब जाते और मैं तुम्हारे इस काम से खुश होकर तुम्हारी तनख्वाह 10,000 रुपए एक साथ 10,000 रुपए बढ़ा रहा हूं। क्या याद रखोगे सेठ रतनलाल से पाला पड़ा था। और सुनो अगर इसी तरह काम करते रहोगे ना तो ये सेठ रतनलाल तुम्हें बहुत ऊपर पहुंचा देगा। ठीक है सर, मैं देखता हूं कस्टमर आ गए। अनिकेत। जी सर आया। इधर आओ। जी सर। ओके अनिकेत मैं जरा बिजी हूं, तुम एक काम करो बच्चों के कॉलेज में चले जाओ, ये लो चाबी और उन्हें ले आओ। सर माफ करना बुरा लगेगा आपको लेकिन मैं आपकी दुकान पे काम करता हूँ, जूते बेचने का काम करता हूँ। सर मैं आपका पर्सनल ड्राइवर नहीं हूँ कोई, क्या आपके बच्चों को लाऊं, आपके घर का दूध लाऊं। मैं कस्टमर्स को देखता हूँ, कस्टमर आ गए। अनिकेत इधर आओ। जी सर आया। जी सर। मैंने तुम्हारी पिछले महीने 10,000 रुपए की सैलरी बढ़ाई थी सेठ रतनलाल ने, और इस महीने मैं तुम्हारी 10,000 की सैलरी घटा रहा हूं। ठीक है सर मैं काम देखता हूं। अनिकेत इधर आओ। अनिकेत पिछले महीने मैंने तुम्हारी सेठ रतनलाल ने तुम्हारी 10,000 रुपए की तनख्वाह बढ़ाई थी। दुनिया खुश हो जाती है 1,000 की तनख्वाह अगर बढ़ती है, और सेठ रतनलाल ने तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहता। और अब जब मैंने तुम्हारी 10,000 रुपए की यह तनख्वाह घटा दी है लोग रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे समझ नहीं आखिर तुम किस मिट्टी के बने हुए हो, न पाने की खुशी और न खोने का गम। आप खुद को भगवान समझते हो क्या सर? हमेशा ये कहते रहते हो मैं रतन सिंह, मैंने बढ़ाया, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। अरे आपने कुछ नहीं किया है सर, वो जिस दिन आपने पहली बार मेरे 10,000 रुपए बढ़ाए थे ना उसके एक दिन पहले मेरे घर लक्ष्मी आई थी, बेटी आई थी मेरी, वो अपने किस्मत के 10,000 रुपए लेके आई थी भगवान से। आप कौन होते हो बढ़ाने वाले हा? और आज जो आप मेरी सैलरी घटा रहे हो, कल मेरे घर में मेरी मां गुजर गई, नहीं रही गई, और वो अपने हिस्से के 10,000 रुपए लेके चली गई भगवान के पास। तो ये जो आप कहते रहते हो ना मैंने बढ़ाया मैंने किया, वो सब आपने नहीं किया सर, उस ऊपर वाले ने किया है, भगवान ने किया है। और ऊपर वाले के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हो सकता सर। हम और आप क्या चीज हैं,
हा? सर हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, नचाने वाला तो वो ऊपर बैठा है, ठीक है।